आओ चलते हैं। वो अपना बंगला दिखाई दे रहा है। रीता आओ तो और करीब आओ और करीब रीता। ए रीता रीता ए रीता रीता ओ हो ए रीता ओ रीता क्या भाई आई लव यू। प्यार और रिश्ता
के साथ ही खर्च में हम भी शामिल हो जाएंगे।
लेकिन इसके लिए मुझे छोटा सा मेरा काम करना होगा। मालिक आप लोग पे सब दिन कहा करें मालिक तो उनका मार मालिक काम है। शीतल भरे दरबार में सूरत जब ये लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं और उसी भीड़ में तुम अपने बेटी के साथ आ जाना। महाराज के समक्ष तुम्हें इतना कहना है कि हे महाराज हमारे साथ बड़ा आनंद हो गया, हम सही के नहीं रह गए, हम बर्बाद हो गए, समाज में सर उठाकर जीने लायक नहीं रह गए, हमारी जवान मीडिया के इज्जत को सेना बहादुर कम सिंह के बेटे दीपक ने लूट कर इसे बर्बाद कर दिया, हमारी मीडिया को कहीं पर नहीं छोड़। आप लोग तो सब दिन कहा करें मालिक मगर की बात हम ना कहबे मालिक। अगर भरे दरबार में महाराज के समक्ष ऐसा नहीं बोला तो आप तो झबड़िया पर ठाकुर राधा सिंह के बंदूक की गोली तेरे सामने जरूर बोलेगी। अरे तू अपने है अपनी बिटिया की सोच अपनी बिटिया की, अरे ससुर मर गया तो तू बिटिया का काम होगा रे इसकी सोच। ठीक है मालिक जैसे आप कहा मालिक वैसे कर पे मालिक। ठीक है तो कल हरे दरबार ठीक 10 के पहले हरे दरबार आ जाना, हम तेरा इंतजार करूंगा। मालिक मालिक और मैंने जैसे कहा से तुझे वैसा ही पहना। और बेटा अगर ये बात मेरा दरबार तो क्या मेरा प्यार तेरे से मुझे मिल जाएगा। ये ठाकुर राघव सिंह तुझे जवान देता है और वादा करता है और वादा करके मैंने कभी मुकरना नहीं सीखा। अगर तूने भरे दरबार महाराज के समक्ष अगर ऐसा बोल दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए तुझे मिल जाएगा। नहीं मैंने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, कल 10 के पहले भरे दरबार आ जाना। चलता हूँ रे। हेलो 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 आइए आगे हमारे मानुषी कल्लू करो कि मर रहे थे धन की देर बिटिया अपने जिंदगी में क्यों नहीं सोचा रह बिटिया तू है वो की मांगा लगा। चलो बिटिया हाँ बिटिया सूरत भरी हो गया। क्यों नहीं सेना बदल कर
सेना प्रवर्तन सिंह, हम तुम्हें भरे दरबार सारी रियासत के सामने तुम्हें गोल्ड मेडल देकर भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। Yeah.
हमारा नाम सुखैया है, सूरत घर के रहने वाले हैं मालिक। सुखई? हाँ मालिक। सुखई क्या राम दरबार में भी कथा सुनने को आई है? क्या ये बात सत्य है? हाँ मालिक, ये बात सत्य है मालिक। अब हम कहूँ के नहीं नहीं गए मालिक, क्यों कि मुझे खबर लाग नहीं नहीं गए मालिक। अपने जिंदगी में नहीं सोचा रहा है मालिक को आए हो क्या मालिक। उनका रात दरबार में साफ हो गए नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा बेटी। सामने आओ। क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं ये बात सत्य है? महाराज बेटी, आज सूरत दरबार में तुमने बेटे दीपक के खिलाफ दवाई देने जा रही हो।